दुर्ग की मोहन नगर पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब नशीली दवा बेचने की फिराक में घूम रहे एक युवक को 61,000 रुपए कीमत की नशीली दवाओं के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। आदित्यनगर दुर्ग के एक युवक द्वारा नशीली दवा बेचे जाने की सूचना पर मोहन नगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को नशीली दवा के साथ गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी मोहन नगर थाना प्रभारी ने इस प्रकार से दी है। जिले के SP साहब जो है उनका स्पष्ट निर्देश है कि नशे की किसी प्रकार के भी मतलब कोई पदार्थ ना बिके, चाहे वो गांजा हो, दारू हो या किसी प्रकार के नारकोटिक्स के मामले हों। तो इस पर हमने जो है मोबाइल लगाए हुए थे, जिसे सूचना मिली। सूचना मिलने पर हम जो है कलश के पास जो आदित्य नगर है वहाँ पर भी दो लोगों का संदिग्ध सूचना मिला था मोबाइल से। उस पर से हमने जो है दो लोगों को गिरफ्तार किया। अंकित यादव है और केशव केवल देवांगन है। इनके पास से हमको जो है लगभग 75 नग जो है सिरप जो है मिले हैं, जिसको क्या बोलते हैं पाउच का होता है वो, और उस पर हम जो है नारकोटिक्स एक्ट की तहत कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों ही आरोपी जेल जा चुके हैं, रिमांड नहीं जा चुके। अभी उसकी जांच के विषय है, जांच कर रहे हैं उसमें। बाकी अभी तक लगता नहीं कि उसका कोई फलग रिकॉर्ड है। ऐसे कई ही कार्रवाई भी जारी रहेगी।